हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनी ट्रेल्स। और आज हम जा रहे हैं फॉर अ ट्रैक टू टिफिन टॉप। आज हमारी एनिवर्सरी भी है, इट्स द 4th of Feb। तो हम लोगों ने एंड वी हैव बीन ब्लेस्ड विद स्नो, जैसे आपको दिख रहा है, सो क्रेजी स्नो। तो हमने सोचा कि चलो अभी ट्रैक पे चलते हैं। अभी हम घर से चलते चलते ये मंदिर पे पहुंच गए। यहाँ से बाइफर्केशन होता है ऊपर को आयर जंगल रिजॉर्ट की तरफ, तो हम यहाँ से राइट लेके ऊपर चढ़ जाएंगे टू गो टू टिफिन टॉप। ये देखिए, हम दुर्गा निवास के पास पहुँचे हैं और सामने बर्फ़ से के बाहर से ये देवदार की टहनी गिर चुकी है और ये आई थिंक ये पोल के ऊपर गिरी and that pole has also broken and fallen into onto the house. So barf ke time pe kafi destruction bhi hota hai, we need to be very careful. Hum Mayar Jungle Resort ke gate pe pahunch gaye hain aur yahin se Tiffin Top ki chadhai bhi shuru hoti hai. So we are at the trailhead of Tiffin Top right now aur hame Siddhant aake mile hain. एंड आपका नाम मैं भूल गया। मेरा नाम संदीप सिंह सोडी। हाँ, एंड संदीप इज़ विद अस टुडे। सो हम लोग यहाँ से टिफिन टॉप को चढ़ेंगे। देखिए अब तो बोर्ड भी लग गया टिफिन टॉप का, सो यस वील बी गोइंग फ्रॉम हियर। तो अब हम टिफिन टॉप के ट्रेल हेड से ऊपर को जा रहे हैं। व्हाट अ डे। हम अभी थोड़ा ही चढ़े हैं आयर जंगल कैंप से ऊपर और पसीने आ गए, इतनी बर्फ़ पड़ी है। बट इट इज़ सो हॉट एंड वॉर्म। चलते चलते इतनी ज़्यादा गर्मी लगी है कि हालत ही ख़राब हो गई है। एंड लुक एट दिस व्यू अराउंड। आज बहुत पेड़ गिरेंगे, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। Isn't this a $1 million view? It simply is. This is what we call a winter wonderland. It truly is. Now let me take you to the top of Tiffin Top and let's experience the magnificence of nature. अब हम रिफ्रेशमेंट्स के लिए सौठा जी की शॉप में आए हैं और यहाँ पर छोटी छोटी नटहैचेस दिख रही हैं एंड दे हैव कम रियली क्लोज टुडे बिकॉज बर्फ़ की वजह से उनको ज़्यादा खाना नहीं मिल रहा है, सो दे फीडिंग एट द शॉप टुडे। हमने सौठा जी के वहाँ मस्त बन मक्खन और चाय कॉफ़ी पी एंड मैगी खाई एंड हम चले। ओके, थैंक यू सौठा जी। वेलकम सर। थैंक यू, बाय बाय। आगे चल रही है गार्गी का एंग्री बैग इज विद अस।
बेचारे का मुंह बंद कर दिया क्या? कभी का एंग्री बैड होता है, आई एम हैप्पी। अब हम टिफिन टॉप के फील्ड में आ गए हैं और यहाँ पर अक्सर हम फ्रिस्बी भी खेलने आते हैं। बट टुडे लेट्स हैव सम फन इन द स्नो। बर्फ में काफ़ी मज़ा मस्ती करने के बाद इट्स टाइम फॉर अस टू मेक अ वे बैक होम। मन तो नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन टाइम से घर जाना पड़ेगा बिकॉज विंटर्स में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स का भी डर है। कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि आज हमको बहुत मज़ा आ गया है और कृपया हमारी वीडियो देख के आप भी मज़े लें। अब हम यहाँ से लैंड्स एंड उतर रहे हैं, वहाँ से घर जाएंगे। एक्चुअली सेम रास्ते जाने में कोई मज़ा नहीं आता है, इसलिए रास्ता बदलते रहना चाहिए। नया नया रास्ता होता है तो मज़ा भी आता है। पर नहीं यार सिद्धांत, हम अपना बुढ़ापा यार ऐसे ना ऐसी जगहों पे जा जाकर बिताएंगे यार। मेरे को नहीं मरना है घर में बैठे बैठे। इस वाले रास्ते तो बहुत कम लोग आए हैं और यहाँ पर बर्फ भी ज़्यादा लग रही है और हमारे पाँव ज़्यादा धंस रहे हैं, शायद से ये डाउनहिल जाने की वजह से है। बहुत टफ हो गया यार ये। अरे हमने स्नो फाइट नहीं करी ना। बहुत बच के जा रहे तुम। ये जो बच्चे आए हो यहाँ से, ये तो हालत खराब हो गई होगी। ये तो उम्र आया होगी उधर से, पूरे ये पूरे बड़ी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत टफ हो गया है। देखिए यहाँ पे भी एक पेड़ गिरा हुआ है। यहीं से रास्ता है। वीडियो बन रहा है, कैसा कैसा पेड़ गिरा हुआ है, इस तरह से गिरा रहे। ये यार हम आ गए।
बड़ी हम लंबे हैं। झुको फिर बड़ी, झुकना सीखो लाइफ में। अरे यार ये वहीं पे आना चाहिए था यार। टूट भी गया वो। ये आया ना भैया बस। अब हम लैंड्स एंड उतर गए। दिस इज लैंड्स एंड। अगर इधर से आगे चले जाते तो लैंड्स एंड लैंड्स एंड। यहाँ से हालांकि हमें आज कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि कोहरा बहुत है, मौसम कम्प्लीटली घिरा हुआ है। कुछ चिल सिद्धांत को देखना था तो हम जा रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं। नॉट ए सोल हो भैया। आइए ये सौभाग्य आप लोग ही प्राप्त कीजिए। अरे वाह क्या ब्रदर थी, आज हमने पूरी मजे ले लिए। 2022 की सेकंड स्नोफॉल को हमने मेमोरेबल कर दिया। देखो वापस से गिरने लग गई क्या? पूरे से गिर गई ना, तो हां तो गलने लग गई, गलने लग गई वो पानी में। तो धीरे धीरे ये देखिए कितने ढेर सारे पेड़ गिरे हुए हैं यहाँ पे। के नीचे चार खेत कैसा दिख रहा है यहाँ पर से, सो अमेजिंग। सो आई डोंट नो, मैं सो अमेजिंग बहुत बोलता हूँ लेकिन अब है ही सो अमेजिंग तो क्या करूँ। सारे पेड़ ढके हुए हैं, दिस इज नेक्स्ट लेवल। क्या लग रहा है। सिद्धांत और संदीप को हमने बारह पत्थर पे ही अलविदा कह दिया और अब हम अपने घर की ओर उतर रहे हैं। वो लोग वहाँ से अरबिंदो आश्रम की ओर चले गए और एज यू कैन सी सब कुछ ढका हुआ है। क्या लग रहा है। और यहाँ पे जो ये पेड़ गिरा हुआ है इसके नीचे से हमने जाना है। डर भी लग रहा है शायद से कहीं ये टूट ना जाए। अचला की छाता टूट चुकी है बट इट डिड अ गुड जॉब व्हाइल इट वाज देयर। शी इज मेड अ स्टिक फॉर सपोर्ट आउट ऑफ द हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला। ये देखिए यहाँ पे भी ये डाल गिरी हुई है। वाओ। अब हम घर पहुँच चुके हैं और हमारी आज की ट्रैक यहीं पर कंप्लीट होती है। एंड I'm very happy to be back home in one piece. I hope you enjoyed this video as much as I enjoyed creating it for you. As always, please subscribe to my channel and hit the notification bell for more videos like this. I really appreciate your support and encouragement. Have a wonderful day. Cheers.